हमारे जोबट क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी युवा भाई महेश पटेल जी हमारे कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं और जो उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा चुनाव 5 साल में होता है, पर कलावती यहाँ पर एमएलए थी, 2 साल में उनका अचानक मृत्यु होने से पद रिक्त हुआ है। तो हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने महेश भाई को टिकट दी है। तो जोबट क्षेत्र के मतदाताओं काफ़ी खुशी है कि एक युवा व्यक्ति को यहाँ पर टिकट देने से यहाँ पर माहौल भी अच्छा है, और इस माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। और यहाँ का जो प्रभारी मंत्री है वो यहाँ पर गुंडागिर्दी करवा रहा है, और यहाँ पर एसपी कलेक्टर को पूरी तरह से उनके इशारे से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे केस मुकदमे का बना के और जेल भेजने का काम कर रहा है प्रभारी मंत्री। तो ये चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले, चुनाव आयोग क्यों मौन है वो भी समझ में नहीं आ रहा। जब प्रशासन पूरी तरह से अलग हो जाता है और इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग ही यहाँ के सर्वेसर्वा होता है चुनाव में, पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मौन है और यहाँ का कलेक्टर और एसपी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेज रहे हैं और धमकी दी जा रही है और उनको घर पे बैठे रहो हिदायत दी जा रही है। ये बहुत गलत बात है, उसका हम चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। और आज चुनाव हुआ है 30 तारीख को, और यह आखिरी में ये सब धांधली कराने के चक्कर में है। यहाँ के प्रशासन सबको अपना मैदान में उतारने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कलेक्टर, एसपी और जिला प्रशासन, उनको किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे से कोई काम न करें, नहीं तो सब निगाह है हमारे कांग्रेस के पर्यवेक्षक कार्यकर्ता सब देख रहे हैं कौन अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता बनके यहाँ पर काम कर रहे हैं। कृपया करके अपने आचार संहिता का पालन करें और कर्मचारी अधिकारी आप अपनी धैर्य में रहकर काम करें, पर इस तरह से करेंगे तो कांग्रेस बर्दाश्त करने वाली नहीं है, ये हम बता देते हैं। इसीलिए आज आपके समक्ष ये बात रखी है कि निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये अपने जानबूझ के भाजपा की तानाशाही है। चुनाव आयोग जब उसकी पूरी तरह से उसको अधिकार है, पूरे सरकार की क्या जब मतलब अधिकार है, क्यों किसी के इंटरफेयर करके अपने लोगों को डरा रहे, धमका रहे। ये एसपी कलेक्टर ध्यान से सुन ले, ये तो चुनाव 30 को हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाओगे, उसके बाद तो पर हम लोग अपने सामने रहेंगे। तो ये तो कांग्रेस तो जीत रही है, पर ये जितने भी कार्यकर्ता भाजपा उनके अधिकारी काम कर रहे हैं उनको हम ठीक करेंगे, ये हम बता देते हैं। हम लोग कभी मैंने जो कानून हाथ में नहीं लेते हैं, मगर इस तरह से हरकत करेंगे तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं, ये हम बता देते हैं। महेश पटेल जी की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल, हमने पूरी विधानसभा में हम लोग घूमे हैं, जगह जगह मीटिंगें चल रही है, अच्छी मीटिंग हो रही है, लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, महेश पटेल जीते। और सुलोक भाजपा के पास जो उम्मीदवार था ही नहीं, उन्होंने सुलोचना पटेल को, ये सुलोचना रावत को उन्होंने ले जाके, किस तरह से लेके हो तो वो जाने, पर उनको ले जाके खड़ी कर दी, उनके पास उम्मीदवार था नहीं। तो ये सारे मैंने खरीदा हुआ बिकाऊ माल कांग्रेस में टिकाऊ है, भाजपा में सब बिकाऊ है, वो खरीद ले जाके उम्मीदवार बना रहे हैं। तो ऐसा ये सब सारे तो जनता समझ गई है कि ये ज़्यादा दिन के नहीं है। कांग्रेस ही यहाँ पर जब अलिया चुनो कांग्रेस के विधायक है, झाबुआ में अपने विधायक कांग्रेस का, पेटलाद में कांग्रेस का, थांदला में कांग्रेस का, जोबट में कांग्रेस के विधायक थी कलावती, तो अब फिर से हम कांग्रेस का विधायक यहाँ पर स्थापित करेंगे। और मतदाता पूरी तरह से मन बना लिया है कि महेश पटेल को जिता के भोपाल भेजेंगे, ये तय कर लिया है। सुलोचना कितना असर डालेगी, सुलोचना रावत बीजेपी में रहेंगे, वो कितना असर, जो भाजपा में गई है, एक बार एक बोले आप बोले। सवाल सेम ही है सर,
कि जो कांग्रेस से सुलोचना रावत भाजपा में गई है वो इस चुनाव पर कितना असर डालेगी? बीजेपी में भी उतना ही विद्रोह है। भाजपा में जाने से सुलोचना का जीरो हो रहा है, क्योंकि भाजपा वाले भी नाराज है। भाजपा में कोई उम्मीदवार था नहीं, और जो उम्मीदवारी कर रहे थे मुंह धो के बैठे थे, तो जाके वहीं रह गए। माधु सिंह है तो दूसरे है, तो सब अंदर अंदर बहुत ताव खा के बैठे हैं कि भाजपा में उम्मीदवार को सबको कहते हैं सब नालायक है। लायक तो सुलोचना थी, उसको लाया। भाजपा में तो कोई है नहीं लायक। तो ये सारी स्थिति आज देख के भाजपा में भी बहुत आक्रोश है, अंदर से सुलोचना को चाहते नहीं है, और कांग्रेस में भी उसको कोई नहीं चाहता था, इसलिए भगी वो। कांग्रेस में भी इतने साल उसके मतलब 40 साल अजमेर सिंह रहे MLA, तब भी वो मतलब सबसे मिलते आ, उसके बाद 12 साल MLA विधायक उसको रखी, कांग्रेस ने मंत्री बनाया, उसको क्या चाहिए? तो ये मना जाके अपना बिकाऊ काम करने वाले लोग, ये कभी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुलोचना को बहुत बुरी तरह से हार खानी है यहाँ पर। सर, पिछले चुनाव में जो विशाल रावत 31,229 वोट लाए थे, उसको किस तरह देखा? अच्छा, सुन, विशाल और विशाल तो मतलब आया राम गया राम है, वो उसके ऊपर किसी पर भरोसा ही नहीं। हमारे कांग्रेस में भी था तो भी बीजेपी से मिला हुआ था वो, और बीजेपी से मिल के कलावती के सामने उसको खड़ा किया था, और बीजेपी वालों ने और कांग्रेस को जोड़ लेके उसने लिया था। तो वो शुरू से भाजपा के पाले में था, और भाजपा ने उसको उकसा के खड़ा कर दिया था। तो अब जनता समझ गई है कि ये पैसे लेके खड़े होते हैं और जनता का वोट खरीदने का काम करते हैं, तो बदलाता और कुछ मिलना नहीं, बिकाऊ वो है, पैसा वो ले रहा। तो सुलोचना और विशाल के खिलाफ काफ़ी लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे, बीजेपी वाले नहीं चाहते और कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते सुलोचना फिर से आए। सुलोचना रावत का कहना आपने दोहरा किया था, उस दौरे को लेकर क्या कहेंगे? सीएम साहब ने दौरा किया था, शिवराज सिंह जी ने, उस दौरे को लेकर क्या कहेंगे? वो ग्रामीण के घर भी रुके थे। अब शिवराज तो घोषणाएं करते रहते हैं, और उसकी मतलब करीब 22,000 घोषणाएं हैं अभी तक 15 साल में, 22,000 की घोषणा एक भी पूरी नहीं की। तो घोषणा फिर मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने हर जगह जाके आश्वासन देते हैं पर फिर भूल जाते हैं, तो उनके आश्वासन या घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलोचना रावत का कहना है कि मुझे कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिला। हाँ, सुलोचना रावत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में मुझे मान सम्मान नहीं मिला। हाँ, तो पता नहीं सुलोचना जी कैसा सम्मान चाहती थी, अब भाजपा पे कौन सा सम्मान उसको मिलने वाला है? कांग्रेस ने उसको हर बार टिकट दी है, उनको परिवार को 40 साल तक खेला है, उसको फिर भी उन्होंने टिकट की दावेदार बन के खड़ी थी, तो उसको मतलब किस बात का सम्मान नहीं मिला? हर बार तो सम्मान मिल रहा था, अब वो कैसा सम्मान चाहती, वो सम्मान कांग्रेस दे नहीं सकती, वो तो भाजपा देगी, तो इसलिए वहाँ गई है। पर कांग्रेस हमेशा सम्मान दिया है, उसके परिवार को हर तरह से मतलब मदद की है कांग्रेस में। सर, प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बावजूद सीएम शिवराज मंच से दावे और वादे करते हैं आदिवासियों को लेकर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रदेश में 15 साल में आदिवासियों को बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, आदिवासियों को हर तरह से पट्टा देना, पट्टा सारा छीन लिया, कांग्रेस जमाने पट्टा दिया आदिवासियों को, वो भी पट्टा छीन लिया, और आदिवासियों के साथ हर तरह से भेदभाव करने का काम कर रहे हैं, और आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं कहते हैं मैंने आदिवासी वनवासी है, कहीं कहते हैं आदिवासी मतलब अलग टाइप के हैं। भाई, आदिवासी आदिकाल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आदिवासी है, मूलतः आदिवासी है, वनवासी कहाँ से ला रहे हैं? तो आदिवासियों को अपमान कर रहा है मुख्यमंत्री और भाजपा वाले RSS वाले, वनवासी भाई कहते हैं। क्यों, कैसे वनवासी भाई? अब तुम और हमारे साथ तुम खड़े हो जाओ तो पूछो लोगों से, कौन वनवासी कौन आदिवासी मालूम पड़ जाएगा। तो ये सब सारा लोगों को गुमराह करना, लोगों आदिवासियों को अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, पर आदिवासी कभी उनकी बात में आने वाले नहीं है, ये बात बता। सर, सीएम ने मंच से बोला है कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में संबल योजना बंद कर दी थी, क्या उद्देश्य था संबल योजना बंद करने का? भाई, कमलनाथ जी ने और शिवराज का कार्यकाल 15 साल था, शिवराज का क्या किया उसने? किसी गरीब को कोई मदद की? घोषणाएं करते रहे, मामा बन गया, मामा मामा करके, मामा तो खुद का कोई मतलब लोगों को मदद ही नहीं करता। और कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर जो काम किया आज लोगों को मालूम है, उन्होंने 15 साल में 1 रुपया माफ़ किया, बता दो। कमलनाथ जी ने 2,000 2 लाख रुपया माफ़ किया,
विधवा को पेंशन देने की बात की, जो कोई बच्चा पैदा 50 किलो ना ताकि खुशी मनाए घर में, दुखता हो जाए देने की, बिजली की माफ कर दिया 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो कहा 15 साल में नहीं कर पाया वो, तो वो क्या बात करेंगे यार बीजेपी वाले, जो कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया वो बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई। और अगर 5 साल टिक जाते और भाजपा बहुत डर गई थी कि 5 साल अगर कमलनाथ जी रह गए तो भाजपा नाम वाला लेने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ में विधायक खरीदे और विधायक खरीद हमारी सरकार गिराई। पर अब लोग समझ के आने वाला 2023 में चुनाव है, आप देख लो भाजपा छपाया हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार यहाँ भी रहेगी दिल्ली में भी रहेगी, जो मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहा ना वो दाढ़ी ज़्यादा कहाँ जाएगी उसकी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत रखेंगे, लेकिन कांग्रेसी नेता भाजपा में सम्मिलित होते जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो लालची थे वो जा रहे, लालची थे तो उसका कोई मैंने ठिकाना नहीं मिलता कब क्या है, पर जो स्थायी कांग्रेसी है, वफादार कांग्रेसी है और सिद्धांतवादी कांग्रेसी, वो कांग्रेस में है आज हम लोग रहे, और आने वाले समय में निश्चित ही कांग्रेस ताकत के साथ उभर के आ रही है 2023 में, ये आप बात मान के चलिए, अपन यहाँ बैठे हैं बात मान के चलिए, मैं जो कह रहा हूँ वो 2023 में सत्य रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, दिल्ली में भी कांग्रेस की बनेगी, भोपाल में भी कांग्रेस की बनेगी, ये मैंने आज है, आप पूरी जनता तबाह हो गई बीजेपी से, ये भारतीय जनता पार्टी के मैंने कई संगठन है, एक शाम को जाता है, एक सुबह जाता है, एक दोपहर को जाता है, चंदा ही चंदा लाइव लाइव कर रहे हो, तो ऐसे चंदा खोरों से मुक्ति चाहती है मध्य प्रदेश सरकार जनता। महेश जी पटेल की जीत को लेकर कितना दावा है और कितने हजार की लीड से ये जीते भाई? महेश पटेल की टिकट सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, कार्यकर्ताओं ने एक आवाज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को कहा तो ये टिकट दी है, तो सबका पसंद का उम्मीदवार है, सब आपका भी पसंद का है, सबका पसंद का उम्मीदवार है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं, महेश जी देगा। सर मुख्यमंत्री हर दौरे के दौरान आदिवासियों को मवा शराब बनाने का निवेदन कर रहा है, तो अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि केस ना बनाए आदिवासियों को शराब। आप ऐसा है आदिवासियों को इस तरह से अपना गुमराह करना और प्रलोभन देना, आदिवासी कभी आदमी आने वाले नहीं है, आप उनकी पुलिस वाले हर बार तो धरपकड़ करना, मारना कूटना सब कर रही है, और वो कहता है कि सब शराब शुद्ध है, भट्टी गालो पियो करो सब, और दूसरी तरफ पकड़ा धकड़ी कर रही है, अब ये जो निपी है उनको भी पिलाने की बात कर रहे हैं, जो भगत बन गए उनको बना नगद हो जाओ तुम दारू पियो बोले, आदिवासियों दारू पिला के और उनको बना खत्म करने का काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये शिवराज का बना वे तो आदिवासी खुद समझदार हैं, कभी बना देवी देवता की पूजा पाठ होती खुद वो निकाल लेते हैं और अपना पूजा पाठ करके वो करते हैं, पर ये करें तो शाम सुबह पियो घर घर, तो ऐसा क्या आदिवासियों बर्बाद करने का तरीका निकाल रहे हैं क्या वो? तो ये अपना बीजेपी कथने और करने में इतना अंतर है, कांग्रेस की सरकार तब भी कहा कि 5 किलो निकाल के देवी देवता की पूजा कर सकते, वो तो कांग्रेस ने के रखा था, तो उन्होंने कौन सा नया काम कर रहे हैं? सर अभी आपने एक आरोप लगाया है कि जिले में निष्पक्ष चुनाव नहीं संभावित, मतलब संभव नहीं हो सकते क्योंकि एसपी और कलेक्टर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या चुनाव आयोग से शिकायत के बाद अगर नहीं मिलते तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे, प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे से यहाँ पर चुनाव पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, कलेक्टर से लेकर एसपी तक, चुनाव आयोग से हमारा अनुरोध है तत्काल कलेक्टर एसपी के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि ये जितने खुलेआम भाजपा कार्यकर्ता बन के घूम रहे हैं और लोगों कार्यकर्ता और डरा रहे हैं, थानेदार डरा रहा, एसपी डरा रहा, कलेक्टर डरा रहा, ये होते कौन डराने वाले भाई? तुम कर्मचारी हो, नौकरी करे, तुम अपनी ड्यूटी बजाओ, तुम भाजपा के कार्यकर्ता बन के ना कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोगों को अंदर करने की धमकी दे रहे, ये भाजपा के इशारे में सब चल रहा है, हम चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। आज भोपाल में बात करें, हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के निर्वाचन जो देख रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलेंगे और कहेंगे कलेक्टर एसपी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग कहेंगे। थैंक यू।